नमस्कार, मी गौरी टिळेकर. HW मराठीमध्ये आपलं स्वागत. एक नजर हेडलाईन्सवर. राज्यातील सत्ता स्थापनेबाबत दिल्लीत मोठी घडामोड घडली आहे. सोनिया गांधी आणि शरद पवार यांच्यात जवळपास 45 मिनिटं बैठक झाली आहे. या बैठकीनंतर शरद पवारांनी पत्रकार परिषद घेत सरकार बनवण्याबाबत आमची कोणतीही चर्चा झालेली नाही, ही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीबाबतची बैठक होती, त्यामुळे इतर कोणत्याही पक्षाबाबत म्हणजेच अर्थात शिवसेनेबाबत या बैठकीत चर्चाच झालेली नाही, असं वक्तव्य शरद पवार यांनी केलं आहे. सोनिया गांधी यांच्यासोबत आमची बैठक झाली, महाराष्ट्राच्या सध्याच्या परिस्थितीवर आम्ही सविस्तर चर्चा केली. ही चर्चा झाल्यानंतर काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची बैठक होईल, याबाबत पक्षातील नेत्यांचं मत जाणून घेतलं जाईल. महाराष्ट्रातील परिस्थितीवर आम्ही लक्ष ठेवून आहोत, असं शरद पवार यावेळी म्हणाले. जस्ट नाउ आय हॅड अ मीटिंग विथ काँग्रेस प्रेसिडेंट एंड इन दॅट मीटिंग along with Congress President Mr. E.K. Anthony was there. We have discussed in detail about Maharashtra's political situation. और वहाँ की जो राजनीतिक स्थिति आज बनी है वो मुझसे समझना चाहते. जो कुछ स्थिति है इसके बारे में मैंने उनको ब्रीफ करने का काम किया. ये सब ब्रीफिंग होने के बाद बाकी कुछ इशू पर हम लोगों ने बहस किया नहीं, मगर ये परिस्थिति पर हम नज़र रखेंगे, ध्यान रखेंगे. दोनों पार्टी के कुछ सीनियर लोग हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर उन लोगों की भी राय क्या है वो राय लेने के लिए प्रयास करेंगे और इसके माध्यम से आगे के कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा इस बारे में हम तय करेंगे. यही ये डिस्कशन का टोटल आउटकम है. पवार साहब, आप सोनिया जी से मिले क्या? सोनिया जी को कोई इतराज है शिवसेना के साथ सरकार बनाने में? नहीं, सरकार बनाने की बात ही नहीं हुई. अब किसी के बात हमारी आपस की होगी. एनसीपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर चुनाव लड़े. आगे तो हमारी नीति क्या होनी चाहिए इस पर बात करने का तय किया. निवडणुकांदरम्यान वारंवार राष्ट्रवादी काँग्रेसवर निशाणा साधणाऱ्या पंतप्रधान मोदींनी आज मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं कौतुक केलंय. राष्ट्रवादी काँग्रेससह बिजू जनता दलाचं देखील पंतप्रधान मोदींनी आज कौतुक केलं. या दोन्ही पक्षांकडून माझ्यासह इतर पक्षांनी काहीतरी शिकायला हवं, असं पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी म्हटलंय. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झाली आहे. राज्यसभेच्या 250व्या ऐतिहासिक अधिवेशनानिमित्त पंतप्रधान मोदींनी सभागृहात आज आपलं भाषण केलं. भारतीय राजकारणातील राज्यसभेची भूमिका आणि पुढील मार्ग या विषयावर बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि बीजू जनता दलाचं तोंड भरून कौतुक केलं. की भाई सदन चर्चा के लिए होना चाहिए, संवाद के लिए होना चाहिए, विचार विमर्श के लिए होना चाहिए. तीखे से तीखे स्वर में विवाद हो कोई उससे नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन आवश्यक है कि रुकावटों के बजाय हम संवाद का रास्ता चुने. मैं आज हो सकता है मैं जिनका उल्लेख कर रहा हूं इसके सिवाय भी लोग होंगे, लेकिन मैं दो दलों का आज मैं उल्लेख करना चाहूंगा, एक एनसीपी और दूसरा बीजेडी. और किसी का नाम छूट जाए तो मुझे क्षमा करना, लेकिन मैं दो का उल्लेख कर रहा हूं. इन दोनों दलों की विशेषता देखिए, उन्होंने खुद ने डिसिप्लिन तय किया है कि हम वेल में नहीं जाएंगे. और मैं देख रहा हूं एक बार भी उन्होंने एक भी सदस्य ने नियम को तोड़ा नहीं है. हम सभी राजनीतिक दलों को सीखना होगा, इंक्लूडिंग माय पार्टी, हम सबको सीखना होगा कि ये नियम का पालन करने के बावजूद भी न एनसीपी की राजनीतिक विकास यात्रा को कोई रुकावट आई है, न बीजेडी की राजनीतिक विकास यात्रा को रुकावट आई है. मतलब वेल में न जाकर के भी लोगों के दिल जीत सकते हैं, लोगों का विश्वास जीत सकते हैं ये. और इसलिए मैं समझता हूं इंक्लूडिंग ट्रेजरी बेंच,
हम लोगों ने ऐसी जो उच्च परंपराएं निर्माण जिन्होंने की है उनका कोई राजनीतिक नुकसान नहीं हुआ है, क्यों ना हम उनसे कुछ सीखें। हमारे सामने मौजूद है और मैं चाहूंगा, क्योंकि हम भी वहां बैठे थे तो हमने भी वो काम किया है, और इसलिए मैं सारे सदन के लिए कह रहा हूं कि हम एनसीपी बीजेडी दोनों ने जो ये बहुत उत्तम तरीके से इन चीज को डिसिप्लिन फॉलो किया, ये कभी न कभी इसकी चर्चा भी होनी चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। और मैं मानता हूं आज जब 250 सत्र कर रहे हैं तो ऐसे उत्तम जो घटना है उसका जिक्र होना चाहिए और लोगों के ध्यान में लानी चाहिए। मुझे विश्वास है कि सदन की गरिमा की दिशा में जो भी आवश्यक है उसको करने में सभी सदस्य अपनी भूमिका अदा करते रहते हैं। आपकी वेदना व्यथा प्रकट होती रहती है, हम सब कोशिश करेंगे इस 250वें सत्र पे हम सब संकल्प लेंगे, विशेष करके हम लोग भी लेंगे, ताकि आपको कम से कम कष्ट हो, आपकी भावनाओं का आदर हो और आप जैसा चाहते हैं वैसा ये सदन चलाने में हम आपके एक साथी बन करके सारे डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए करने का प्रयास करें। इस संकल्प के साथ मैं फिर एक बार इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जिन्होंने यहां तक पहुंचाया है उन सबका धन्यवाद करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी प्रधानमंत्री। मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौर पदासाठी शिवसेनेकडून किशोरी पेडणेकर यांची नियुक्ती निश्चित करण्यात आली आहे, तर उपमहापौर पदासाठी सुहास वाडकर यांची निवड करण्यात आली आहे। किशोरी पेडणेकर यांनी आज आपला महापौर पदासाठीचा अर्ज दाखल केला आहे। मुंबई महानगरपालिका महापौर पदासाठी खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षण जाहीर झालंय। खुला प्रवर्ग असल्यानं महापौर पदासाठी सत्ताधारी शिवसेनेतील नगरसेवकांमध्ये चढाओढ निर्माण झाली होती। मुंबई महापालिकेच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीसाठी शिवसेना पक्षाच्या वतीने महापौरपदासाठी उमेदवार म्हणून किशोरी पेडणेकर आणि उपमहापौर म्हणून यांची नावं निश्चित केली आहेत। आता आम्ही थोड्याच वेळात लगेच जाऊन त्यांचे फॉर्म भरणार आहोत। राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीचा मुद्दा उपस्थित केलाय। सुप्रिया सुळे असं म्हणाल्या की राज्यातल्या इतर खासदारांनी राज्यपाल महोदयांना जाहीर केलेल्या तुटपुंच्या मदतीचा मुद्दा उपस्थित केला, पण मी वेगळा मुद्दा उपस्थित करणार आहे। केंद्रात मनमोहन सिंग सरकार असताना केंद्र सरकारनं 70,000 कोटी रुपयांचं शेतकऱ्यांचं कर्ज पूर्णपणे माफ केलं होतं। आताही शेतकऱ्यांचं कर्ज पूर्णपणे माफ करण्यात यावं असं सुप्रिया सुळे म्हणाले आहेत। शेतकऱ्यांना अवकाळी पावसाचा मोठा फटका बसलाय, त्यामुळे त्यांना मदतीची गरज आहे। केंद्राने नुकतंच MSMEला आर्थिक सवलती देण्याची भाषा केली आहे, पण ताटामध्ये अन्न वाढणाऱ्या शेतकऱ्याचा प्रश्न आधी महत्त्वाचा आहे, त्यामुळे शेतकऱ्याचं कर्ज पूर्णपणे माफ करावं अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे। महाराष्ट्र में जो बारिश हुई है ओले पड़े उसके बारे में बोला है। बहुत लोगों ने और भी एक चीज बताई कि जो पैसा आज मिल रहा है उनको किसानों को वो बढ़ती जाए। मेरी मांग इससे थोड़ी अलग है। मेरी मांग है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब हमने 70,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया था, तो हमारी मांग है कि महाराष्ट्र के किसानों का कर्जा पूरी तरह से माफ करें और रीस्ट्रक्चरिंग भी करें। क्योंकि आज सुबह जब क्वेश्चन आर था तब संजय जायसवाल जी ने एक सवाल उठाया था कि जो कंपनीज है और कलेमिटीज हो साइक्लोन्स हो तो उनको MSMEs को मदद करने का सरकार ने वायदा किया था, ऐसे उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था। तो अगर आप इंडस्ट्री को हेल्प करेंगे इस तरह से तो किसान तो सबके थाली में जो भोजन आता है वो सबसे बढ़िया और सबसे इम्पोर्टेंट है, तो मेरे ख्याल से उनकी पूर्ण कर्जा करनी चाहिए, हमारी सबकी मांग है। आणखी सविस्तर बातम्यांसाठी आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा, फेसबुकला लाईक करा, यूट्यूबला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पाहत रहा HW मराठी। धन्यवाद। आता सर्वात आधी बातम्या मिळवा आमच्या मोबाईल न्यूज ॲप्लिकेशनच्या सहाय्याने। अँड्रॉइड किंवा iOS प्लॅटफॉर्मवर जाऊन HW न्यूजचे ॲप सर्च करा, डाउनलोड करा, आपल्याला हवी ती भाषा निवडा। आजच्या बातम्यांच्या गर्दीतून आपल्या कामाची बातमी मिळवा फक्त HW न्यूजवर।